संसार क्रांति की टीम इस समय जींद में मौजूद है और जैसा कि हरियाणा रोडवेज के जो कर्मचारियों की हड़ताल आज 18वें दिन में प्रवेश कर चुकी है, लेकिन सरकार की यदि हम बात करते हैं कभी परिवहन जो भी बाकी जो कर्मचारी इनके ऊपर लाठीचार्ज करवाती है, लेकिन अभी तक कोई सोल्यूशन की बात नहीं निकली है। आइए अब यहीं हम बात करते हैं कुछ कर्मचारी यहीं से जींद से। सर, क्या नाम आपका? दलबीर ढिल्लो। दलबीर ढिल्लो जी, क्या कहना चाहेंगे वर्तमान सरकार के बारे में? ये आज का जो आपका जो हड़ताल है आपकी 18वें दिन में प्रवेश कर चुकी है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हम सरकार से मांग करते हैं क्योंकि इसको मसले को बातचीत के माध्यम से सुलझाने की कोशिश करें। जी, सरकार कहती है कि रोडवेज के कर्मचारियों को इस बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। जी, हम मानते हैं हम रोडवेज के कर्मचारी हैं, मगर रोडवेज के कर्मचारी सिर्फ 8 घंटे ड्यूटी देने के लिए, उसके बाद हम जनता का भी हिस्सा हैं। जी जी, आने वाली पीढ़ियों का रोजगार खत्म होना और जिस प्रकार की सरकार नीतियां लेकर के आ रही है, इन नीतियों के खिलाफ हमारा ये धरना चला हुआ आज 18वें दिन में बात चली गई है, और सरकार बिल्कुल टस से मस नहीं हो रही आज तक। हम सरकार से कहना चाहते हैं अगर इस प्रकार की जनता विरोधी नीतियां, कर्मचारी विरोधी नीतियां, जनता को असुविधा, जन सुविधा देने का फर्ज सरकार का है, लेकिन असुविधा देने की जो सरकार कोशिश कर रही है, इस कोशिश के अंदर हम किसी भी प्रकार से सरकार को कामयाब नहीं होने देंगे, हमें चाहे कितनी भी बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। सरकार का भी अल्टीमेटम आया है, पता भी आपने, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? सरकार की तरफ से अल्टीमेटम जारी किया, सरकार का जो अल्टीमेटम आया वो हमारे सिर माथे है। सरकार चाहे जितने भी अपने हथकंडे अपनाना चाहती है वो अपना सकती है। हम 4 तारीख की रैली करके यहाँ और आगे की रणनीति तैयार करके सरकार को ये चेता देंगे कि सरकार सच्ची है या कर्मचारी सच्चे है। हरियाणा जनरक्षक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है गुवाड़ा से सतबीर चहल जी, वो भी अपने साथ ही यहीं पर पहुंचे हैं। सतबीर चहल जी, क्या मुख्य उद्देश्य लेकर के आज आप हरियाणा रोडवेज के जो कर्मचारियों का समर्थन करने पहुंचे हैं, ये सार्वजनिक कल्याण के लिए और सामाजिक कल्याण के लिए आपने कार्य किया है, क्या कहना चाहेंगे सर? क्यों, हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी जो ये आंदोलन छेड़े हुए हैं, ये हकीकत में ये निस्वार्थ है, इनका कोई स्वार्थ जुड़ा हुआ नहीं है। जी जी, ये पूर्ण रूप से 100% पब्लिक हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कोई टीए नहीं मांग रहे, तनख्वाह नहीं मांग रहे, भत्ते नहीं मांग रहे, बदली नहीं करवा रहे, ये भावी पीढ़ी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और सरकार जो है हठधर्मिता अपनाए हुए है, सरकार अपने करते हुए से विमुख हो चुकी है, और सरकार को चाहिए कि वो अपनी हठधर्मिता को छोड़कर अपने नियत में जो खोट है उनको सुधार के वो इस आंदोलन को खत्म कराए, इनकी मांगों को स्वीकार करें, इनके मुकदमे वापिस ले और प्रदेश में शांति बहाल करे। मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि सरकार आज नंगे हो चुकी है पब्लिक की जनता में। अब तक ये कर्मचारियों का आंदोलन था, अब जनता समझ चुकी है, जनता उठ खड़ी हुई है, जनता की चौपालों में आज हमारे जैसे राजनीतिक संगठन पहुंचने लगे हैं, क्योंकि हकीकत में ये लड़ाई हमारी है, इनकी नहीं थी। इन्होंने जो मोर्चा थामा है इनका हम धन्यवाद करते हैं। अब गांव की चौपालों में जाकर के जनता लाम करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, अब हम इनको कहें कि आप जाइए, हम जाएंगे, क्योंकि ये लोग जिनके लिए हम राजनीति करते हैं भावी पीढ़ी को रोजगार देने के उद्देश्य से, वो जनता की लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं। हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी सरकार की उस नियत में खोट को उजागर कर चुके हैं कि जब ये कहते हैं कि प्राइवेट बसें क्यों चला रहे हैं, प्राइवेट निजीकरण क्यों कर रहे हैं, अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो हम तनख्वाह देने को तैयार हैं, हम अपने अलाउंस देने को तैयार हैं, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, आप बस खरीदिए चलाइए, उसके बाद भी अठधर्मिता पे अगर खड़ी है तो सरकार कहीं से न किसी भविष्य के लिए एक गहन भ्रष्टाचार और अपने निजी आदमियों को ये रोडवेज का बेड़ा खत्म करके उसमें घुसाने के लिए जो अर्पण के लिए जो प्रयासरत है, जो किसी भी कीमत पर सहन नहीं की जा सकती। और हम रोडवेज कर्मचारियों के साथ जो आने का आज उद्देश्य है वो ये है कि ये आंदोलन इनका नहीं है, हम इस आंदोलन का हिस्सा बन के अपने कंधों पर जिम्मेदारी लें और पब्लिक को लामबद्ध करें और सरकार को मुंह तोड़ जवाब दें। और मेरा आग्रह उन भाइयों से भी इस मंच के माध्यम से कि सरकार जो 3 महीने का लॉलीपॉप दे करके जो फार्म जमा करवा रही है, उन युवा भाइयों को भी समझना चाहिए कि जो हमारे सीनियर जो लोग हैं, जो आज ये कर्मचारी हैं, अपनी नौकरियों को भी गवा करके तुम्हारी लड़ाई लड़ रहे हो और तुम सरकार के झांसे में आकर के फार्म भर रहे हो, अगर वो गलती से ना समझी से भर दिए तो मैं उनसे भी अपील करता हूं कि वो अपने हाथ उल्टे खींचे और सरकार के इस आंदोलन को और तेज करके इसमें आंदोलन में सहयोग करें और वो भाई अपने अंदर समझ पैदा। सामाजिक कार्यकर्ता है वीरेंद्र आर्य, इन्होंने भी हरियाणा रोडवेज को समर्थन करने के लिए आज यहाँ जींद पहुंचे हैं। सर वीरेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे आप हरियाणा रोडवेज की जो आज 18वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन सरकार जो की तो बनी हुई है नहीं, ये जो बातें हैं नहीं मान रही अभी तक। लोकतंत्र में जी जो इनका तरीका जी, जो भाई कर्मचारियों का तरीका है वो ऐसा ही होता है और ऐसा ही कर चुके हैं और करने लग रहे हैं। और सरकार जो अड़ग रवैया अपना रही है, ये इतिहास गवाह है,
जब जब भी लोकतंत्र की आवाज उठती है, जब लोकतंत्र अपने तरीके से चलता है तो वह सरकार की नहीं चलती, वो लोकतंत्र की चलती है। मैं दावा करता हूँ इन कर्मचारियों की और इस जनता की ही जीत होगी, ये आप देख लेना, मेरा ये कहना है। आपसे धन्यवाद। अन्य भी हमारे साथ, सर क्या नाम आपका? कश्मीरा मोर। कश्मीरा मोर जी, क्या कहना चाहेंगे सरकार? आज भी बात हरियाणा रोडवेज की यदि हम बात करते हैं, 18वें दिन में प्रवेश कर चुकी है हड़ताल, तो अल्टीमेटम भी जारी किया है, लेकिन सरकार कोई न कोई नया आश्वासन दे रही है और आगे से आगे ऐसी प्रक्रिया चली हुई है, क्या कहना चाहेंगे सर? सरकार जो है जी, मैं रिटायर्ड कर्मचारी संघ का जीन डिपो का रोडवेज का प्रधान हूं जी, जी। और ये फल रूपी पौधा जो है हमारा लगाया हुआ है जी सर, हम कोई बेईमानी करे या हमारे साथ गुस्ताखी करे जी, और लाठी गोली से दबा कर कुचलना चाहता है, हम अपनी हमारा लगाया पौधा, ये हमारे छोटे भाई हमारे बच्चों के समान, बिल्कुल जो हमारी ये नौकरी करते हैं बच्चे, इनका हक फल खाने को, इसको चोर बेईमान को इस महकमे को बिल्कुल बेचने नहीं देंगे और बिल्कुल निजीकरण नहीं करने देंगे। हमारा एक और अनुरोध है, हमारे कर्मचारी 2-3 साल का बोनस और 1-1 महीने का वेतन, और उसी के साथ हमने भी घोषणा की है रिटायर कर्मचारी संघ की तरफ से, हम भी 1-1 पेंशन अपनी देने के लिए तैयार है। इस तरह परिवहन मंत्री आज के एक बार में कहता है बस हटाने के लिए बजट नहीं है, बजट क्यों नहीं है? जो गीता महोत्सव मनाए जाते हैं, सब 2,000 करोड़ रुपये खर्च कर दिए जाते हैं, वो अनाप शनाप पैसा कहाँ से आता है? सरकार किसी गरीब के बच्चे को नौकरी देना चाहती, पूंजीपति हो गया तो महकमे को बेचना चाहती है, जिसको कर्मचारी रिटायर कर्मचारी कतई साइन नहीं करेगा, हमें इसके लिए भाईचारे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जितनी लंबाई लंबी लड़ाई होगी उतनी लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है, और सरकार को ये थूक पे चाटती है, सरकार को पिछले दिन मुंह खानी पड़ेगी। बिल्कुल, तो रिटायर्ड जो कर्मचारी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता है, इनका मुख्य रूप से कहना कि यदि कहीं न कहीं पैसों की बात आएगी तो हम अपनी तरफ से ही सैलरी देंगे, लेकिन जो हड़ताल का जो मुद्दा है इसको जोगा तो बनाएंगे और सरकार को एक न एक दिन झुकना ही पड़ेगा। सरकार चाहे कोई भी अल्टीमेटम पास करे, लेकिन हम उस अल्टीमेटम से नहीं डरेंगे। हमारी जो हड़ताल है वो निरंतर इसी प्रकार से चलती रहेगी, निजीकरण के विरोध में जो हड़ताल की है इसी प्रकार से चलाते रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए संसार क्रांति के साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए संसार क्रांति के लिए जिंद से मैं जय भारद्वाज।